हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो के बच्चों एनसीईआरटी से। बच्चों, हमने इसमें आप लोगों को पढ़ाया है क्लास 10th की मैथ जो कि क्या बच्चों इसमें है एनसीईआरटी से। ये बच्चों एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2। क्या बच्चों एक्सरसाइज 7.1 हम खत्म कर दिए हैं बच्चों, और एक्सरसाइज 7.2 हमारा चल रहा है। क्या बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर टू क्या है बच्चों, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। क्या बच्चों? ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 and -2, -3। बच्चों, इसको इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या बच्चों? कोऑर्डिनेट, जो कि बच्चों कोई पॉइंट है ए और बी, उसमें ट्राई सेक्शन हो रहा है। ट्राई सेक्शन मतलब तीन भागों में उसको डिवाइड हो रहा है। क्या बच्चों? हमारा क्वेश्चन है, कोई एक लाइन है बच्चों, ये लाइन है ए और बी। बच्चों, लाइन ए क्या दिया है, ए पॉइंट क्या दिया है, 4, -1, और बी बच्चों क्या दिया है, -2, -3। और बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब एक दो तीन, तीन भागों में डिवाइड हो रहा है। हम तो बच्चों नाम दे देते हैं, कोई पी और क्यू, क्यू में डिवाइड हो रहा है, पी और क्यू में बच्चों क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। मतलब बच्चों 1:1:1 में डिवाइड हो रहा है, ट्राई सेक्शन कर रहा है। बच्चों, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। बच्चों, हम पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो बच्चों चलिए निकालते हैं, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्या बच्चों? सच में हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला। बच्चे क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, ये होता है कोई पॉइंट होता है बच्चों, कोई पॉइंट मान लीजिए पी है x, y, तो क्या हो जाएगा बच्चों, m1 into x2 plus m2 into x1 upon में m1 plus m2 comma m1 into y2 plus m2 into y1 upon में m1 plus m2। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के सहायता से हम क्या निकालेंगे, ये बच्चों हम कोई मान लीजिए r कोऑर्डिनेट था, बच्चों हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट p। p कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, ये मान लीजिए ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। अब बच्चों, इसमें हमको m1 और m2 लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्या बच्चों, m1 और m2। तो बच्चों, हमारा p कोऑर्डिनेट के लिए m1 इक्वल टू क्या है, 1 है, और p कोऑर्डिनेट के लिए m2 क्या हो जाएगा बच्चों, m2 एक कोई कोऑर्डिनेट, तो m2 बच्चों यहां से होगा, तो m2 क्या हो जाएगा बच्चों, p कोऑर्डिनेट के लिए 2 हो जाएगा, 1+1 और 1+1 2, m2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वही निकालेंगे हम, तो देखेंगे p कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों m1 क्या है, 1 है इनटू, अब बच्चों x2 क्या है, -2 है, तो -2 प्लस, अब बच्चों m2 क्या है, 2 है इनटू, और बच्चों x1 क्या है, 4 है अपॉन में m1 प्लस m2। m1 क्या है, 1 है, m2 क्या है, 2 है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह m1 क्या है, 1 है इंटू y2 क्या है, -3 है, क्या है, -3 प्लस, अब क्या m2 क्या है बच्चों, 2 है इंटू x1 क्या है, -1 है,
वाई वन क्या है, माइनस वन है। अब चियाम वन प्लस एम टू नीचे होता है, एम वन क्या हो जाएगा वन, एम टू क्या हो जाएगा टू। तो बच्चों पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से पी कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस टू इंटू वन माइनस टू प्लस टू फोर जा एट अपॉन वन प्लस टू थ्री कॉमा माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री प्लस माइन टू इंटू माइनस वन माइनस टू अपॉन वन प्लस टू थ्री। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारा। अब यहां से हमारा पी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स बाई टू कॉमा माइनस थ्री, ये बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन थ्री। ठीक है बच्चों, ध्यान से क्या हो जाएगा, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, एक थ्री आ गया, एक क्या आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव कामा थ्री। बच्चे यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, पी कोऑर्डिनेट हमारा आंसर क्या आ गया, थ्री कामा माइनस थ्री फाइव कामा, पी कोऑर्डिनेट क्या आ गया, थ्री कामा माइनस फाइव अपॉन थ्री। बच्चे एक कोऑर्डिनेट हमारा यहां से आ गया पी, अब चलिए निकालते हैं हम क्यू, यहां लिख लेते हैं बच्चों हमारा पी कोऑर्डिनेट आ गया। पी कोऑर्डिनेट क्या आया है, थ्री कामा माइनस फाइव अपॉन थ्री, पी कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। अब बच्चों इसी फार्मूले के सहायता से हम क्या निकालेंगे, क्यू का कोऑर्डिनेट, किसका बच्चों, क्यू का, क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, वो इसी फार्मूले से निकलेगा, सेकंड फार्मूला से। क्या बच्चों, क्यू कोऑर्डिनेट, क्यू कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों अब यहां से देखिए क्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यू कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों, क्यू कोऑर्डिनेट के लिए यहां से ये बच्चों कोई क्यू था, क्यू कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों यम वन वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ यम वन इक्वल टू टू हो जाएगा और यम टू इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यू कोऑर्डिनेट के लिए यहां से क्यू पी और क्यू का लेंगे तो वन वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो यहाँ वन क्या हो जाएगा टू के कोऑर्डिनेट के लिए, और बच्चों यम टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं कैसे होगा, यम वन क्या है बच्चों टू है इंटू यक्स टू क्या है माइनस टू है प्लस, अब बच्चे एम टू क्या है वन है इंटू एक्स वन क्या है माइनस वन है अपॉन एम प्लस वन, एम वन क्या है टू है, एम टू क्या है वन है, तो टू प्लस वन हो जाए कॉमा। अब एम वन क्या है बच्चों टू है इंटू वाई टू, वाई टू क्या है माइनस थ्री है प्लस, एम टू क्या है बच्चों वन है इंटू वाई वन क्या है माइनस वन है अपान में टू प्लस वन। तो बच्चे यहां से क्यू का कोऑर्डिनेट भी निकल आएगा, तो बच्चे यहां से क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर प्लस वन इंटू माइनस वन क्या आएगा माइनस वन, टू प्लस वन थ्री, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा प्लस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस फोर कामा माइनस वन अपॉन थ्री कामा माइनस सिक्स माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री। बच्चों क्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस फाइव कामा थ्री और माइनस माइनस प्लस तो माइनस सेवन कामा थ्री। बच्चों क्यू का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गया, पी का कोऑर्डिनेट हमने निकाला ही था। बच्चों इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ही निकालना था, कोई टाइप सेक्शन करा लाइन सेगमेंट में जो कि पॉइंट दोनों ज्वाइनिंग थी। बच्चों हमारा आंसर आ गया, क्यू कोऑर्डिनेट ये आ गया, पी कोऑर्डिनेट ये आ गया। बच्चों हम उम्मीद करते हैं
हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों धन्यवाद। बच्चों हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें।